हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आप सभी का क्रिएटिव फार्मिंग चैनल पर स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, हाथ से चलने वाली चारा काटने की मशीन पे तरह तरह के जुगाड़ बना के उसको चलाया जाता है, कभी मोटरसाइकिल पे, कभी मोटर से, कभी साइकिल से। आज हम आपको डीजल पंप से इसको किस प्रकार से चलाएंगे आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो आप जैसे देख रहे हैं, इसमें पट्टा लगाया जा रहा है। एक जगह डीजल इंजन सेट है, दूसरी जगह मशीन को अच्छे से रखा गया है, उसके ऊपर पत्थर वगैरह रख के, जिससे उसका वेट बराबर बना रहे। और इसके ऊपर आसानी से आप इस प्रकार से पट्टा चढ़ा दीजिए, हल्का, मतलब पट्टा सही से रहे, ढीला ना रहे, निकलने का खतरा ना रहे। और जब ये सब आपका फिट हो जाए, उसके बाद आपको अपना इंजन, जो डीजल इंजन है, उसको आसानी से स्टार्ट कर लेना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसको स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी हैंडल लगाने से स्टार्ट हो जाता है। इसको स्टार्ट किया जा रहा है फिर से दोबारा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मशीन चालू हो चुकी है और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल आसानी से चल रही है। इसमें आप अपना बरसीम है, हरा चारा है, जो भी आपको मतलब इसमें काटना है वह काट सकते हैं बिल्कुल आसानी से। दोस्तों, अगर आप जैसे आप लंबे, आपको चारा काटने की ज़रूरत है, आपके पास डेयरी है, ज़्यादा पशु हैं, तो आप इस तरह का जुगाड़ लगा के उसको, आप अगर आप नई मशीन नहीं लेना चाहते हो, तो इस तरह का जुगाड़ लगा के आप इसको अपना काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खेती किसानी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।